अगर आप भी एक यूट्यूबर हो और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो और अपने यूट्यूब वीडियोस में थंबनेल लगाना चाहते हो, सो कैसे आप अपने यूट्यूब वीडियो में थंबनेल लगा सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यूट्यूब वीडियो में थंबनेल लगाने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने चैनल को वेरीफाई करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से। अगर आपने अपने चैनल को वेरीफाई नहीं किया हुआ है अपने मोबाइल नंबर से तो आप यूट्यूब वीडियोज़ में थंबनेल नहीं लगा सकते हैं। सो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर से अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करना होगा। अगर आप नहीं जानते हो कैसे वेरीफाई किया जाता है तो एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देखने के बाद अपने चैनल को वेरीफाई कर पाओगे। सो अभी मैं मान के चलता हूं कि आपने अपने चैनल को वेरीफाई कर लिया है मोबाइल नंबर से और अब आप ये जानना चाहते हो कि कैसे हम अपने वीडियो में थंबनेल लगा सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने यूट्यूब वीडियो में थंबनेल लगा सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको वीडियो भी अपलोड करके दिखाऊंगा और अपलोड करते समय कैसे आप थंबनेल लगा सकते हो YouTube वीडियो में वो बताऊंगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप थंबनेल लगा सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमजद और स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, यूट्यूब वीडियो में थंबनेल लगाने के लिए इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब वीडियो अपलोड करके बताने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और अपने चैनल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, डैशबोर्ड में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, सो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट फाइल पे फाइल्स में जाता हूं और यहां से एक वीडियो मैं ले लेता हूं जो वीडियो मैं अपलोड करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं मैं वीडियो अपलोड करके। सो इस तरह से मैंने एक वीडियो सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह आप वीडियो अपलोड कर सकते हो बहुत आसानी से। उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, यहाँ टाइटल डालना, डिस्क्रिप्शन डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अपलोड थंबनेल पे क्लिक कर देना है, यहाँ जो एक लिखा है दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्सेस पे क्लिक कर देना है, अलाउ पे। उसके बाद मैं बता देता हूँ फिर से आपको, यहाँ पे अपलोड थंबनेल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको इस पर क्लिक करना है, प्लस का आइकन भी दिखाई देता है। उसके बाद आपको यहाँ ब्राउज पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको थंबनेल दिखाई दे देगा। अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक करके आप यहाँ से गैलरी में जा सकते हो। यहाँ से अभी मैं जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है थंबनेल, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एक थंबनेल। सो इस तरह से मैंने यहाँ थंबनेल सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह आप थंबनेल सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ एक थंबनेल का आइकन, थंबनेल का पूरा ये दिया गया है और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अभी थंबनेल चेंज करना है तो इस पर टैप करोगे और यहाँ से चेंज थंबनेल का आ जाएगा। सो हमारा थंबनेल जो ये लग चुका है, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद इस वीडियो को मैं अभी पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। नॉट मेड फॉर किड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड पब्लिक पब्लिक, यस पब्लिक पब्लिक। सो मैंने इस वीडियो को जो है वो पब्लिक कर दिया है। सो इसी तरह से आप बहुत आसानी से अपने YouTube वीडियोस में थंबनेल लगा सकते हो, इस तरह से बहुत आसानी से। क्रोम ब्राउजर में आना है, वीडियो अपलोड करनी है, अपलोड करते समय आपको नीचे दिखाई दे देगा थंबनेल का एक सेक्शन पूरा बना हुआ है और वहाँ थंबनेल पे क्लिक करके प्लस पे आप अपने गैलरी में जाकर या फाइल में जाकर अपलोड कर सकते हो अपने थंबनेल को।